आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड खबर। राजधानी देहरादून के भाषा प्रदेश कार्यालय में कैबिनेट मंत्री सौरभ फाल्गुना ने अपने तमाम विभागों के महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान सौरभ फाल्गुना ने कहा कि पशुपालन और दूध विभाग में 3 मुख्य योजनाएं शुरू की गई हैं, जिसके जरिए हमने प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया गया है और साथ ही पलायन पर वर्क किया है। साथ ही उन्होंने बताया कि दूध के दौरों में अब वृद्धि हुई है और गंगा गाय योजना के तहत गाय पालकों में महिलाओं को 25% की जगह अब 95% सब्सिडी दी गई है, जिसके जरिए दूध का उत्पादन अब 25% बढ़ गया है। पिछले 1.5 साल में लगातार हमने कोशिश करी है कि हमारे विभागों के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है रोजगार उत्पन्न करना और पलायन कहीं ना कहीं बाहर करना है, तो हमने उस पर कोशिश करी है। हमने अपने पशुपालन विभाग और हमारे डेयरी विभाग में लगभग 3 ऐसी योजनाएं शुरू करी जिससे कि हमने रोजगार भी उत्पन्न किया है और पलायन पे भी हमने वार किया है। गोट वैली प्रोजेक्ट हमारा कुकुट वैली प्रोजेक्ट, हमारे दूध के अमाउंट में वृद्धि, हमारे सब्सिडी पे हमारी सब्सिडी इंक्रीमेंट, गंगा गाय योजना के तहत हमने 2-3-5 गाय के साथ जो SC ST और जनरल कैटेगरी जो हमारी महिला हैं उनको 25% से बढ़ा के सब्सिडी 75% करना, हमारे जनरल लोगों के लिए 25% से सब्सिडी बढ़ा के 50% करना, इससे हमारे बहुत फ़ायदा हुआ देखने को। हमारा दूध का प्रोक्योरमेंट 25% बढ़ा उत्तराखंड में, हम 2,30,000 लीटर तक पहुंच चुके हैं जनवरी में, जब तक हम जो कि हम मार्च में अचीव करते थे इस लेवल को। उसी के साथ साथ हमने लगभग 1790 लोगों को गोट वैली प्रोजेक्ट में बेनिफिशरी बनाया है और 1100-1200 लोगों के आसपास हमने पोल्ट्री वैली में लोगों को बेनिफिशरी बनाया है।